इस वीडियो में हम अदानी ग्रुप का एनालिसिस करेंगे और अदानी ग्रुप की जो भी कंपनीज हैं, जिन कंपनियों के अंदर हमें पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, आने वाले समय में इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है, इन सारी बातों का एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं और पूरा एनालिसिस हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एंजेवन एप्लीकेशन को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद हम एंजेवन एप्लीकेशन की मार्केट वॉच में आते हैं। मार्केट वॉच का आपको यहाँ पे नीचे साइड में देखने को मिलता है। इस मार्केट वॉच में क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एंजेवन की मार्केट वॉच ओपन हो जाती है। इस मार्केट में हमने अदानी ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक्स को लगा के रखा है, जिसमें यहाँ पे जो नाम आते हैं ये AWL नाम आता है, अदानी विलमार, अदानी टोटल गैस, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस। इन स्टॉक में से यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो स्टॉक जो कि अदानी ट्रांसमिशन और अदानी इंटरप्राइजेस के हैं, इन स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन बाकी के जो स्टॉक थे जिन्होंने यहाँ पे हमें बिकवाली का पैसा देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम इन स्टॉक का एनालिसिस करते हैं कि आगे आने वाले समय में इन स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक के ऊपर बात करूँ, तो अदानी स्टॉक मैं आपको यहाँ पे एक जो बीच में आपको ऑप्शन चेन और चार्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ। चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट कुछ इस प्रकार से लग जाता है। अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक मिला जुला कारोबार देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक टूल ऑप्शन की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देता हूँ। जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसका जो एक टॉप पॉइंट है इस पे मैं इसको लगा देता हूँ, और इसका जो एक लोअर पॉइंट है इस लोअर पॉइंट पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पे एक रेंज निकल के आती है, जिस रेंज के अंदर जो है अदानी इंटरप्राइजेस का उसका जो स्टॉक है ये काम करते हुए नज़र आ रहा है। जो आपको देखने को मिलेगा कि जो अदानी इंटरप्राइजेस है ये 2458 से लेकर 2434 की रेंज में फंसा हुआ यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहा है। अगर अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक इस रेंज में से अप पे डाउन साइड में से कोई भी रेंज को ब्रेक करता है तो उसी दिशा में हमें अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यह लेवल को आपको विशेष तौर पर अपने ध्यान में रखना चाहिए। इस लेवल के आधार पे हम यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट में अपसाइड की रेंज ब्रेक होती है तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, और डाउनसाइड की रेंज ब्रेक होती है तो पुट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे MACD इंडिकेटर के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो MACD इंडिकेटर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने की तैयारी होते हुए नजर आ रही है, मतलब कि अगर अपसाइड की रेंज ब्रेक होती है तो हम यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन के लिए भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अदानी का जो स्टॉक है इसमें हमें ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अदानी पोर्ट का जो स्टॉक है वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, तो अदानी पोर्ट के स्टॉक पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं। चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि अदानी पोर्ट के स्टॉक में हमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अदानी पोर्ट के स्टॉक में जो एक गिरावट का साइन बना हुआ है, यहाँ पे जो एक बेयरिश कैंडल बनी हुई है जिसके चलते स्टॉक में एक कमजोरी का साइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइड में बनते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये बनता है 732 का एक सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। अगर 732 के सपोर्ट के नीचे अदानी पोर्ट का स्टॉक ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पे जो डाउनफॉल है ये 725 के आसपास तक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक के स्टॉक में डाउनफॉल आ सकते हैं। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस समय बना हुआ है ये 741 के आसपास का बना हुआ है। जब तक ये स्टॉक 741 के नीचे है तब तक के हमें इस स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल सकती है। और अगर स्टॉक में 741 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करता है तो स्टॉक में अपसाइड का मूव जो है 745, 750 से लेके 760 के भाव यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम अगला जो लेवल था इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसका नाम है अदानी पावर। अदानी पावर की हम बात करें तो अदानी पावर में हम यहाँ पे देखते हैं इसका चार्ट हम लगाते हैं। अदानी पावर का स्टॉक जो है पेवर केस कंपनी है, केस में हमें यहाँ पे काम करना होता है। अब हम देखते हैं कि अदानी पावर किस प्रकार से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अदानी के का जो एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी इस न्यूज़ के चलते इसमें हमें काफ़ी पिटाई देखने को मिली थी। अब देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो 281 था, यहाँ से अदानी पावर के स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसके चलते स्टॉक में जो डाउनफॉल है ये 271 तक के हमें एक डाउनफॉल आता हुआ नज़र आ सकता है। ये डाउनफॉल अगर सस्टेन हो जाता है 270 के आसपास
तो वापस इसमें अपसाइड का मूव हमें 275 से लेकर 280 या 300 तक के हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर स्टॉक 270 के भाव को होल्ड नहीं कर पाता, इसके नीचे स्लिप होता है, इस कंडीशन में स्टॉक में जो गिरावट आ सकती है, जो इसमें यहाँ पे एक गैप बनते हुए नजर आ रहा है जो 260 के आसपास का है, ये गैप फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आ सकता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 254 तक का हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यहाँ तक जो कि बोलिंगर बैंड का एक मिडिल बैंड है, यहाँ तक स्टॉक में गिरावट आ सकती है। अगर गिरावट यहाँ भी नहीं थमती है तो फिर अदानी के स्टॉक में और ज़्यादा बिकवाली का पैसा हावी होते हुए नजर आएगा, और इसके चलते अदानी पावर का स्टॉक जो है ये 225 तक के हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखा सकता है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप अदानी पावर के स्टॉक में आप अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं या पोजीशन बना सकते हैं। तो यह विशेष डेटा है, इस डेटा को आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पे आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगले स्टॉक की हम बात करते हैं, तो अगले स्टॉक जो निकल के आता है यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन का, जो कि 830 पे बंद होता हुआ नजर आया है। यह भी एक कैश की कंपनी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में भी यहाँ पे एक अच्छे खासे अपसाइड और अच्छे खासे डाउनसाइड देखने को मिले हैं। स्टॉक में जो मोमेंटम आया था यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने सर्किट के साथ यहाँ पे अपसाइड के मूव दिखाए थे, उसी के बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है और स्टॉक जो है इस समय 830 के लेवल पर बना हुआ है। अगर स्टॉक जो है ये 832 के लेवल को होल्ड करता है तो वापस स्टॉक में जो मूवमेंट बनेगा, ये मूवमेंट जो है ये 840 850 से लेके 880 के अपसाइड के मूव यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि हमें भाव आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट है एक सपोर्ट है जो 825 के आसपास का बनते हुए नजर आता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इस काउंटर में फिर गिरावट आ सकती है, और इसके चलते यहाँ पे हमें जो बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा, ये बिकवाली का प्रेशर जो है ये 815 810 से लेके 780 और 760 के डाउनफॉल भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है इसके आसपास तक हमें यहाँ भाव आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं एमएसडी इंडिकेटर में यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव बना हुआ है, तो इसके चलते अगर मान लो ऊपर की जो रेंज है, जो रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये रेंज ब्रेक होती है तो अपसाइड के जो लेवल है ये अपसाइड के लेवल हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक में हम अपनी पोजीशन को लेके जा सकते हैं। इसके साथ बात आती है अगले स्टॉक जो कि इसका हमें अदानी टोटल गैस, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर से सेकंड नंबर पे देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट पे आना होता है। चार्ट पे आने के बाद हमारे सामने अदानी टोटल गैस का चार्ट लग जाता है। इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमें अदानी टोटल गैस की स्टॉक में यहाँ पे कमजोरी का साइन देखने को मिल रहा है। अगर अदानी टोटल गैस का जो स्टॉक है ये 676 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से हमें बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके चलते स्टॉक में हमें 660 से लेकर 650 और 630 तक के हमें डाउनफॉल इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर अपसाइड की बात करें तो अगर स्टॉक 677 या 680 का लेवल होल्ड करता है तो स्टॉक में हमें 690 से लेकर 700 प्लस के हमें अपसाइड के लेवल इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एमएसडी इंडिकेटर की बात करें तो एमएसडी इंडिकेटर यहाँ पे न्यूट्रल में काम कर रहा है, और अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता है तो ये माना जा सकता है कि स्टॉक में हमें अप ट्रेंड की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। अब इसके बाद आखिरी काउंटर इसकी बात आती है जिसका नाम है अदानी विलमार, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जो कि 425 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने अदानी विलमार का चार्ट इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पे हम चार्ट का जो डेटा का एनालाइज करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अदानी विलमार का स्टॉक किस प्रकार से काम कर रहा है। तो अदानी विलमार के स्टॉक में भी यहाँ पे हमें एक कमजोरी का साइन देखने को मिलता है। अब अदानी का विलमार के स्टॉक में जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने एक अच्छी खासी गैप के साथ यहाँ पे तेजी बनाई हुई थी, और इसके चलते स्टॉक ने यहाँ पे जो रिसेंट में 500 प्लस के अपसाइड के लेवल दिखाए थे, स्टॉक ने यहाँ पे जो 370 या 360 से जो यहाँ पे एक रिकवरी दिखाई थी उसके चलते वन शॉट यहाँ पे हमें 500 प्लस के अपसाइड के मूव आते हुए नजर आए थे। अब जो हुआ कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक जो है ये नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है और 425 के नीचे स्टॉक यहाँ पे बना हुआ है। अगर स्टॉक 425 के नीचे ही सस्टेन करता है तो इसके चलते स्टॉक में यहाँ से हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। इस प्रेशर के चलते स्टॉक में 410 के नीचे अगर बात करें तो 400 का एक इंपॉर्टेंट एक लेवल नजर आता है, मतलब कि स्टॉक 400 के लेवल तक ये जा सकता है, और अगर 400 का लेवल भी ब्रेक करता है तो स्टॉक में हमें 380 के लेवल भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ हम बात करें एमएसडी इंडिकेटर की, तो एमएसडी इंडिकेटर भी यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉस ओवर बनाते हुए नजर आ रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अदानी ग्रुप के स्टॉक में अपनी पोजीशन को यहाँ पे बना सकते हैं और लेके जा सकते हैं।
अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेना चाहते हैं तो पोजीशन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों पोजीशन लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एंजेवन एप्लीकेशन पे मैं आपको निफ्टी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिससे कि आप कोई भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना होता है, जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करना होता है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन का बटन देखने को मिलता है। अगर आप ऑप्शन चेन में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन चेन के साथ जा सकते हैं। स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप स्टॉक की बाय बटन पर प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर लगता है कि ऑप्शन में कि तेजी आ सकती है तो कॉल साइड को बाय करना होता है, और लगता है कि ऑप्शन में गिरावट आ सकती है, स्टॉक में गिरावट आ सकती है, पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आ सकती है तो मैं यहाँ पर तेजी के लिए कोई भी रेंडमली स्ट्राइक प्राइस जो कि एडमनी काउंटर के आसपास है इसको मैं बाय करूँगा। यहाँ पे जैसे मैं 18,600 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करूँगा, यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना है, जैसे कि मैं सिंगल लॉट के लिए ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। सिंगल लॉट में 50 क्वांटिटीज आती है। करंट प्रीमियम के साथ जो मार्जिन दे हैं देखने को मिलता है। नीचे बाय ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद कन्फर्म ऑर्डर पर प्रेस करना है और अपना ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस कर देना। अभी मार्केट बंद है इसे हमारा जो ऑर्डर है आफ्टर मार्केट लगेगा, या ऑप्शन प्रेस करते हैं हमारा ऑर्डर यहाँ पे पुट हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि इतना इजी कितना आसान होता है एंजेवन एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस करना। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डिमेट अकाउंट एंजेवन में ओपन नहीं किया है तो मैं बेस्ट ऑफ वर्स के साथ फ्री डिमेट अकाउंट ओपनिंग को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप आज ही अपना डिमेट अकाउंट एंजेवन के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।